दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP रियल टिप्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Instagram पर ड्राफ्ट फोटो या फिर पोस्ट कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने गलती से या फिर आपने ड्राफ्ट में कोई पोस्ट या फिर फोटो को सेव तो कर दिया, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा कहाँ और कैसे हम उस पोस्ट को दोबारा से अपने अकाउंट पर सेंड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बताएंगे कि आपको जो भी आपने अपने ड्राफ्ट में फ़ोटो या फिर पोस्ट जो भी सेव किया हुआ है उसे आप डिलीट या फिर दोबारा से सेंड कैसे कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करेंगे और उसके बाद हम प्लस पे आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक ड्राफ्ट में पोस्ट सेव करके और उसे डिलीट करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पोस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम थोड़ा बहुत नेक्स्ट वगैरह करेंगे और फिल्टर वगैरह चेंज कर देंगे। उसके बाद हम इस पोस्ट को दोबारा से बैक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव ड्राफ्ट का। तो ऐसे केस में आपने भी किसी पोस्ट को ड्राफ्ट में सेव तो कर दिया लेकिन अब वो ऑप्शन नहीं मिल रहा कि कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो पोस्ट को सेव किया है वो अगर हम अपनी प्रोफाइल में चेक करें और अपने प्रोफाइल को रिफ्रेश भी कर देंगे तो वो पोस्ट अब आपको जो फोटो आपने अपनी ड्राफ्ट में सेव की है वो हमारी प्रोफाइल में भी शो नहीं हो रही है। दोस्तों ये इंस्टाग्राम का एक न्यू अपडेट है, जो भी आप अपने ड्राफ्ट में फ़ोटो वगैरह सेव करेंगे वो अब आपकी प्रोफाइल में शो नहीं होगी। पहले तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल में ड्राफ्ट लिखा आ जाता था जहाँ आप आसानी से पता लगा लेते थे, लेकिन अब थोड़ा चेंजमेंट हो चुका है कि अब जो आपने ड्राफ्ट में पोस्ट को सेव किया है वो कहाँ मिलेगी, कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोबारा से इसी प्लस के आइकन पे आना है और नीचे ध्यान देना है, यहाँ पर आपको एक पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, स्टोरी का मिलेगा, रील्स का मिलेगा। तो आपको जो फर्स्ट में जो पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है इस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक रिसेंट के जस्ट बगल में एक ड्राफ्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ड्राफ्ट में जितने भी आपके पोस्ट सेव है वो यहाँ पर सेव दिखा देंगे। तो फिलहाल हमारे सामने 4 पोस्ट सेव है ड्राफ्ट में, तो यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पर किसी भी पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। जैसे कि हमने अभी आपके सामने एक ड्राफ्ट में फ़ोटो सेव की थी, अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से एडिट हो जाएगी, यहाँ भी कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं है। तो अब बात आती है कि जो ड्राफ्ट में हमारी पोस्ट है उसे डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर जो 4 पोस्ट है, तो यहाँ पर मैनेज 4 दिख रहा है, जितने भी आपकी पोस्ट होगी उतने ही मैनेज 1, 2, 3, 4 जितने भी वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो डिलीट करने के लिए करना क्या है, ये जो यहाँ पर मैनेज लिखा हुआ है इसी पे ही क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर सभी पोस्ट आपको शो हो जाएगी। और उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा इस पे जो आपको राइट साइड के कॉर्नर पर जो पेंसिल का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप वो पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 पोस्ट को सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको राइट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर पहले पेंसिल का आइकन दिख रहा था वहीं अब आपको राइट का ऑप्शन मिल रहा है। सीधा इस पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, सीधा इसे डिस्कार्ड कर दीजिए। बस इतना करने के बाद जो यहाँ पर जो ड्राफ्ट का ऑप्शन शो हो रहा था वो भी गायब हो गया, क्योंकि हमारे ड्राफ्ट में कोई पोस्ट ही नहीं है तो वो ड्राफ्ट का ऑप्शन भी यहाँ नहीं शो होगा। और जैसे आप ड्राफ्ट में कोई पोस्ट फोटो वगैरह सेव करेंगे तो यहाँ पर वो ड्राफ्ट का ऑप्शन भी शो होगा। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का न्यू अपडेट ने कुछ चेंजमेंट कर दिया है। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, प्रोफाइल में जो भी ड्राफ्ट में सेव होता था उस पर थोड़ा लॉन्ग प्रेस करते थे और यहीं से ही ड्राफ्ट की पोस्ट को डिलीट कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो चुका है। ड्राफ्ट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, कैसे डिलीट करना है, पूरा प्रोसेस मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया है। सो आई होप कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और फिर भी अगर मन में कोई भी विचार हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।